हेलो फ्रेंड्स, डेली बिजनेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैन कार्ड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग प्रोसेस के ऊपर है। तो जाने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपने से कोई चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करने से घंटा प्रेस कर दिया। चैनल पे चल रहा है गिव अवे, सो गिव अवे का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो कैंड में, जहाँ पर डिटेल्स लेकर आप गिव अवे के बारे में मोर डिटेल्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग प्रोसेस के लिए आप अपना स्कैनर ऑन कर लीजिए। सो मेरे पास एप्सन का स्कैनर है, सो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर स्कैनिंग प्रोसेस हम यहाँ पर शुरू करेंगे। सो स्कैनिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहा हूँ, सो आप भी जब डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे यहाँ पर कलर पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर रेजोल्यूशन में आपको 200 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर पेज साइज में आपको A4 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको स्कैन पर क्लिक करना है, और जो डॉक्यूमेंट का मोड रहेगा इमेज फॉर्मेट में आपको PDF सेलेक्ट करना है। सिंपली जो डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहले स्कैनिंग करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट यहाँ पर डालना होता है, और सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो स्कैनिंग प्रोसेस होना देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपको बताते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट स्कैन होने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। सो ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट क्या देना है, फॉर्म का पहला पेज, जी हाँ, फॉर्म का जो फ्रंट साइड होता है उसको आपको डालना है, और सिंपली यहाँ पर स्कैन पे आपको क्लिक करना है। सो ये भी यहाँ पर स्कैनिंग शुरू हो चुका है। स्कैनिंग होने के बाद हम फिर से आगे आपको बता रहे हैं। सो फिर से हमें ऐड पेज पे क्लिक करना है, और इस बार फॉर्म का जो बैक साइड है वो हमें देना है, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है फॉर्म का बैक साइड उसको हमें देना है, और देखिए सिंपली यहाँ पर स्कैनिंग पे हमें क्लिक करना है। सो यहाँ पर ये भी स्कैनिंग होने देते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करना है। सो फॉर्म स्कैनिंग जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर तीनों प्रूफ एक ही आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तीनों में, तो ओनली एक ही बार स्कैन करने से हो जाएगा आधार कार्ड को, या फिर अगर आपने आधार कार्ड के साथ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट किया था तो वो भी उसमें ऐड करना होगा। तो सिंपली हम स्कैन पे क्लिक कर देते हैं। सो हमने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया था तीनों में, सो हम वोटर कार्ड का एक बार स्कैनिंग ले लेंगे, उसके बाद स्कैनिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं ईडेट पे क्लिक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या स्कैनिंग किया है। सो पार्ट वन पे हमने किया है, नंबर वन पे हमने किया है पैन कार्ड का जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है सेंटर कॉपी, उसका हमने स्कैन किया है, और उसके बाद पार्ट टू में हमने पैन कार्ड का पहला पेज, उसके बाद पैन कार्ड का फॉर्म का दूसरा पेज, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ। अगर तीनों डॉक्यूमेंट एक ही है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट एक बार स्कैन कर लीजिए और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, सो ये जो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम एक बार आपको डॉक्यूमेंट को दिखा देते हैं। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो रेडी हो चुका है, सो सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा एक्नॉलेजमेंट रिसीव, ये रहा फॉर्म का पहला पेज, फॉर्म का दूसरा पेज, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो स्कैनिंग जो है कंप्लीटेड है। अभी सेव हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें करना है, यहाँ पर जो फॉर्म का जो पहला पेज है उसको आपको लेना है, और इस बार आपको 300 DPI पे स्कैनिंग करना होगा कलर में फोटो लेने के लिए। कलर में सेलेक्ट करिए, 300 DPI आप सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास फोटो ऑलरेडी सेव है उस पर भी आप कर सकते हैं। सो मेरे पास फोटो सेव नहीं है, इसको आपको फॉर्मेट टाइप में आपको करना है JPG, और सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला दूसरा स्कैनिंग भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें थर्ड स्कैनिंग करना है इसी पेज को। तो सिंपली यहाँ पर आप जिस पे सिग्नेचर है, जिधर से आप सिग्नेचर कॉपी कर रहे हैं, उस पेज को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पे जाइए, और जो इस बार रिजोल्यूशन है वो 600 आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जो इमेज फॉर्मेट रहेगा वो JPG रहेगा, सिंपली ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। सो ये जो है एज अ सिग्नेचर लेने के लिए है, सिग्नेचर, या फिर अगर कोई थंब इंप्रेशन दे रहा है तो उसको यहाँ पर स्कैन करने के लिए आपको 600 DPI पे ब्लैक एंड व्हाइट पे स्कैन करना है। सो स्कैनिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट पे हो रहा है, आधे से भी कम टाइम यहाँ पर लगने वाला है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कैनिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। सो स्कैनिंग यहाँ पर कंप्लीटेड है। सो ये सब स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद, सो स्कैनिंग का पांच पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर सिग्नेचर से ही पहले शुरू करते हैं, और फिर सिग्नेचर को हम यहाँ पर पेंट पे ले लेते हैं, और पेंट पे सेलेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद सिंपली आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। किधर से आप सिग्नेचर लेंगे वो सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट करिए। सो मैं यहाँ से इधर से सिग्नेचर ले रहा हूँ, तो जैसे कि ये रहा सिग्नेचर, सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको पूरा, क्योंकि हमने ऑलरेडी DPI सेलेक्ट कर दिया था, सिंपली हम इसको लेंगे किधर कितने तक लेना है, और इसको हम सिंपली क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक होने के बाद हम इसको रिसाइज कर देंगे। सो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं 50 कर देता हूँ, और इसके बाद ये रिसाइज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सो इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है साइज़ कितना हुआ। सो इधर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 19x20 KB है, जबकि हमें 60 KB के नीचे चाहिए। सो ये कंप्लीटेड है, और इसके बाद हमें फ़ोटो को सेम उसी प्रोसेस में करना है। सो सिंपली फ़ोटो को भी हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ हमें करना है,
पेंट। तो सिंपली ओपन विथ पेंट पे करने के बाद यहाँ पर आप फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं इस वाले फोटो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो इस वाले फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको क्रॉप कर लीजिए आप, और सिंपली इसको क्रॉप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जाइए रिसाइज पे और यहाँ पर पिक्सेल पे आप क्लिक करिए और इसको जो है आप अनटिक कर दीजिए। अनटिक करने के बाद यहाँ पर डालिए 213 और यहाँ पर भी आप डालिए 213 और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। फोटो रिसाइज हो चुका है, सिंपली आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पर फोटो क्रॉपिंग जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो 25-28 KB हो चुका है, जबकि हमें 30 KB के नीचे चाहिए। सो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फोटो आप सिंपली इसको आपको अपलोड करना है। सो अपलोडिंग प्रोसेस हम पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे अपलोडिंग प्रोसेस। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए घंटे बटन को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए। गिव अवे के लिए आपसे आप वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल डेली बिजनेस में।